हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो आज इस वीडियो में हम देखेंगे कि गेयर वायर और गेज वायर में क्या डिफरेंस होता है। दोनों भी वायर्स ज्वेलरी मेकिंग में यूज होती है, लेकिन दोनों का यूज करने का तरीका अलग होता है, तो आज हम वही देखेंगे। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब गेज वायर जो होती है वो कॉपर से बनी हुई होती है, वेयर एज गेयर वायर का जो मटेरियल होता है वो थोड़ा सा अलग होता है। सेकेंड डिफरेंस इनका कलर है। अब गेयर वायर जो है वो सिर्फ आपको दो कलर में मिलेंगी, एक गोल्डन कलर और सिल्वर कलर, और गेज वायर जो है वो आपको बहुत सारे कलर्स में मिलेंगी। जैसे गोल्डन और सिल्वर तो मिलेंगे ही, लेकिन ये और भी डिफरेंट कलर्स में आते हैं। अब थर्ड डिफरेंस इनका फ्लेक्सिबिलिटी है। गेयर वायर जो होती है वो थोड़ी सी ज़्यादा फ्लेक्सिबल होती है एज़ कम्पेयर टू गेज वायर। गेज वायर थोड़ी सी कम फ्लेक्सिबल होती है, तो गेज वायर में जो भी आप शेप दोगे वो शेप वो अच्छे से होल्ड करेगी। वेयर एज गेयर वायर जो होती है वो ज़्यादा फ्लेक्सिबल होती है, तो वो अच्छे से शेप जो है वो होल्ड नहीं कर पाती है। अगर आपको आपकी ज्वेलरी का जो शेप है वो वैसे ही स्टर्डी रखना है तो आप गेज वायर का यूज़ कर सकते हैं, और अगर आपकी ज्वेलरी बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल चाहिए तो आप गेयर वायर का यूज़ कर सकते हैं। अब नेक्स्ट डिफरेंस इन दोनों का है साइज़। अब साइज़ में गेयर वायर जो होती है वो सिर्फ एक ही साइज़ में अवेलेबल होती है, वेयर एज गेज वायर जो होती हैं वो बहुत सारी साइजेस में आपको मिल जाएंगी। थिन वायर से लेकर थिक वायर में कोई भी साइज़ आपको ये गेज वायर में मिल जाएगी। गेज वायर की जो साइज़ होती है वो दो तरीके से मेजर की जाती है, एक MM से और दूसरी गेज से। तो आप वायर लेते वक्त MM या गेज दोनों में से कोई भी देख सकते हैं। 0.3 mm इसकी स्टार्टिंग साइज़ होती है। 0.3 mm की जो होती है वो बहुत पतली वाली वायर होती है। ऐसे जैसे आप 0.5, 0.8 ऐसे बढ़ते जाओगे वैसे ही वायर की जो थिकनेस है वो बढ़ती जाएगी। लेकिन अगर आप गेज मेजरमेंट से देखो तो जितना बड़ा आपका गेज नंबर होगा उतनी पतली ये वायर होगी। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर 20 गेज और 24 गेज वायर है तो 20 गेज वाली जो वायर है वो पतली होगी एज़ कम्पेयर टू 24 गेज वाली। तो गेज मेजरमेंट के हिसाब से जितना ज़्यादा नंबर होगा वायर का उतनी पतली वायर होगी। तो बस यही कुछ डिफरेंसेस थे गेज वायर और गेयर वायर में। आई होप आपको दोनों भी वायर के डिफरेंसेस समझ आ गए होंगे। तो आप जब भी अब ज्वेलरी बनाओगे तो आपको अब पता होगा कि आपको कौन सी वायर का यूज़ करना है। आपको ये वीडियो कैसे लगा मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। आपके कमेंट्स पढ़ने को मुझे बहुत अच्छा लगता है। ऑल्सो लेट मी नो कि नेक्स्ट वीडियो हम कौन से टॉपिक पे बनाएं।